महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अभी कोरोना काल चल रहा है और मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि सरकार ने जो SOP जारी की है उसको अक्षरशः फॉलो करें, मास्क लगाएं, बिना वजह घर से ना निकलें, अगर निकलना पड़े तो 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखें। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काल सर्प योग की। काल सर्प योग, हालांकि इसका किसी शास्त्रीय ग्रंथ में, किसी क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, बावजूद इसके इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अनुभव यह कहता है कि काल सर्प योग का प्रभाव होता ही होता है। यह बात अलग है कि इसके नाम पर बहुत ज्यादा डरावना माहौल बना दिया गया है। साथियों, आज इस एपिसोड में खास तौर पर यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी काल सर्प योग है तो वो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। काल सर्प योग का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो बर्बादी का कारण बनता है या वो कोई डरावना और बहुत बुरा योग है। दुनिया के महान नहीं बल्कि महानतम लोग काल सर्प योग को कुंडली में लेकर के महान बने हैं। बहुत लंबी फहरिश्त ये है, कुछ यहां पर जो मैं नाम आपको महत्वपूर्ण बतला दूं, अकबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी, ये सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं। साथियों, काल सर्प योग ने इनकी जन्म पत्रिका में क्या घटित किया, इनको संघर्षशील बनाया, इनको परिश्रमी उद्यमी बनाया ताकि ये अपने कार्य को और बेहतर ढंग से करें। तो आज इस एपिसोड में हम खास तौर पर 6 ऐसी स्थितियों के बारे में जानेंगे जो यदि काल सर्प की आपकी जन्म पत्रिका है और ये 6 स्थितियों में से कोई भी एक निर्मित हो रही है तो आप भी अगले अंबानी, अगले सचिन तेंदुलकर या अगले नेहरू या कोई भी अगले महान व्यक्ति जरूर 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 बनेंगे। साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि इसके अगले एपिसोड में हम काल सर्प योग पर चर्चा करेंगे, उसमें हम ये जानेंगे, कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जब काल सर्प योग वाकई में घातक साबित हो सकता है। साथियों, आज के एपिसोड को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्यचंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला जरूर होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजना है आपको। तो आइए साथियों, इसको समझने के लिए हम एक जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, फिलहाल हमने इसको खाली रखा है। ये किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की, किसी भी प्रकार के काल सर्प योग की जन्म पत्रिका हो सकती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखना है कि राहु और केतु की डिग्रियां कितनी है, शक्तिशाली कितने हैं वो। साथियों, एक राजा जो है, अगर उसकी शक्तियां सारी छीन ली जाए तो उसका कोई सिर्फ नाम रह जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में अभी राजा या रानी की स्थिति है, वो राजा रानी है, उसको कहा भी राजा रानी क्राउन ताज जरूर जाएगा, परंतु वो कोई भी शक्ति अपने पास में नहीं रखता है। तो यही स्थिति राहु और केतु की आपको अपनी डिग्री में देखनी है, अपनी जन्म पत्रिका में देखनी है कि उनकी डिग्रियां कितनी है। यदि उनकी डिग्री दोनों में से किसी की भी 0 डिग्री
या 28, 29 डिग्री हो गई है तो वो किसी प्रकार से आपको फल नहीं देंगे। बल्कि यदि आपके कोई श्रेष्ठ योग निर्मित हो रहा है तो काल सर्प योग आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर देगा, बहुत आगे उन्नति के शिखर पर लेकर के जाएगा। साथियों दूसरा बिंदु, यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 2 नंबर का अंक लिखा है तो 2 नंबर के अंक जो कि वृषभ राशि है वहां पर राहुदेव हो गए उच्च राशि के, और इस स्थिति में जहां पर 8 नंबर का अंक लिखा है वहां पर नेचुरल रूप से केतु देव विराजमान होंगे। अब इस स्थिति में यदि काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है अर्थात बाकी सारे ग्रह राहु से केतु के बीच में आ गए हैं तो कहा तो ये काल सर्प योग ही जाएगा, परंतु ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव परिणाम आपको प्रदान करेगा। साथियों तीसरी बात, राहु और केतु यदि कुंडली के योग कारक ग्रहों के साथ में युति करके बैठे हैं या योग कारक ग्रह की राहु या केतु में से किसी पर भी दृष्टिपात हो रहा है तो आप जानिए कि यह आपके लिए एक खुशखबरी है, एक सकारात्मक एक पॉजिटिव खबर है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका है और तुला लग्न में किसी भी प्रकार का काल सर्प योग बन रहा है तो तुला राशि में योग कारक बन जाते हैं शनि। तो तुला लग्न में खास तौर पर हालांकि राहु और शनि की युति ठीक नहीं मानी जाती परंतु तुला लग्न में ये उस व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, कई बार तो उसको बिना प्रयास के ही फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। साथियों चौथा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, यदि काल सर्प योग का निर्माण किसी जन्म पत्रिका में हो रहा है परंतु आप देखेंगे कि राहु और केतु इन दोनों के घरों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 5 घर बनते हैं यदि सारे ग्रह उन 5 घरों में है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। इस जन्म पत्रिका में आप दृष्टिपात कीजिए, हम यहां पर केवल ये उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कि राहु लग्न में विराजमान है और केतु सप्तम भाव में विराजमान है। अब ऐसी स्थिति में बाकी के जो सारे ग्रह हैं वो द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और षष्ठ भाव में यहां पर है। राहु और केतु के साथ में युति करके कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो इसको एक राजयोग माना गया है, इसको कहा गया है ग्रह मालिका राजयोग। बहुत से महान व्यक्ति जिनके काल सर्प योग था इस ग्रह मालिका राजयोग की वजह से वो महान बने। साथियों पांचवा बिंदु, यदि राहु और केतु जिस भाव में विराजमान है उस भाव के स्वामी से ही यदि वो युद्ध होकर के बैठे हैं या उस भाव के स्वामियों ने आपस में युति कर ली है। उदाहरण के लिए यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में राहु लग्न में विराजमान है और सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है और ऐसी स्थिति में यदि कुंडली में कहीं पर भी मंगल और शुक्र इन दोनों की युति है तो राहु और केतु जहां जहां बैठे हैं उनके भाव स्वामियों ने युति कर ली है तो ऐसे व्यक्ति को काल सर्प योग का बहुत पॉजिटिव परिणाम मिलता है और काल सर्प योग उसके लिए घातक नहीं बल्कि उसको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने वाला साबित होता है। अब छठा और बहुत महत्वपूर्ण और सबसे शानदार बिंदु, जो काल सर्प योग का सबसे बड़ा कैंसिलेशन भी कहें तो गलत नहीं होगा। साथियों किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका में यदि काल सर्प योग निर्मित हो रहा है परंतु उसके साथ ही किसी न किसी प्रकार का पंच महापुरुष योग यदि निर्मित हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति पर भी काल सर्प योग पॉजिटिव परिणाम देगा, ना कि नकारात्मक परिणाम। पंच महापुरुष यदि आप नहीं जानते तो हम संक्षेप में उसको समझा देते हैं। यदि केंद्र के किसी भी भाव में 1, 8 या 10 इसके साथ में मंगल देव विराजमान है तो रूचक नामक पंच महापुरुष योग यहां पर बन गया। यदि 3 और 6 ये केंद्र में अंक लिखे हुए हैं किसी भी भाव में और बुध उसके साथ में विराजमान है तो इसको कहा जाएगा भद्र नामक पंच महापुरुष योग। यदि 9, 12 या 4 ये केंद्र में है
किसी भी भाव में और गुरुदेव उसके साथ में विराजमान है, तो इसको कहा जाएगा हंस नामक पंच महापुरुष योग। यदि 2, 7 या 12 है, इनमें से कोई भी अंक केंद्र में है और उसके साथ ही शुक्र देव विराजमान है, तो इसको कहा जाएगा मालव्य पंच महापुरुष योग। और अंत में यदि 10, 11 या 7 इनमें से कोई भी अंक केंद्र के भावों में विराजमान है और शनिदेव उसके साथ में विराजमान है, तो इसको कहा जाएगा शष पंच महापुरुष योग। तो साथियों, जिन 6 स्थितियों के बारे में चर्चा की, यदि आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग के साथ ही इनमें से कोई भी स्थिति है, तो आप निश्चिंत हो जाइए काल सर्प योग में, और बल्कि राहु की दशा, केतु की दशा, अंतर दशा में आपको बहुत पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुमना दत्ता जी का, जो कि इन्होंने लिखा है हावड़ा पश्चिमी बंगाल से। सुमना जी, आपने पूछा है कि आपके विवाह में लगातार अड़चन आ रही है, जैसे ही कहीं विवाह की बात होने लगती है किसी न किसी प्रकार की बाधा उसमें आ जाती है। इसका कारण है आपके केतु जो है वो सप्तम भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान है। लगभग 2.5 वर्ष का और डीले आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है विवाह को लेकर। यदि आप शीघ्र विवाह बंधन में बंधना चाहती हैं, तो निसहाय और आवारा ऐसे कुत्ते जिनकी कोई सेवा नहीं करता, यदि आप उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन सामग्री प्रदान करते हैं, तो शीघ्र ही आप विवाह बंधन में अवश्य बंधेंगे। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं आज के बेहद ही आसान प्रश्न की। आज हमने चर्चा काल सर्प योग की, उसके 6 बिंदु जो व्यक्ति को शिखर पर लेकर के जाते हैं। इसी दौरान मैंने पंच महापुरुष योग की भी चर्चा की। तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग किस ग्रह की वजह से बनता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।